गुड मॉर्निंग ऑनलाइन पीपल कैन हियर मी ऑडियो इज क्लियर यस सर यस सर ओके लास्ट टाइम यू आर टू प्रोनाउंस ना वी हैव डन हाउ मच फाइव यू सेड ना फाइव टाइप्स हैव बीन डन करेक्ट जस्ट रिपीट करो कौन से पांच है हाँ I'll just take a small revision, chalega? Before I proceed with the next part, 10 minute, 5-10 minute ka revision le leta. Iske kitne types hote? Just try to answer without referring as far as possible. Ne type bolo. That are examples, type. Personal guy. First person. Before that, first person, somebody said, kisne bola? First person. Achha, iske upar kuch fill in the blanks kiye the hum log ne? Kiye the? And joining wala, joining two different sentences. Kiya nahi kiya tha na? Okay. First person kon hota hai? Second person kon hota hai? Third person kon hota hai? First person. Haan. Listener. Give me examples of this first person ke. Only I. Me, us, na? Second person, madhe? You and yours. And third person, kon hota hai? Jiske baare mein baat kare, like? He. Okay. This was about the personal one. उसके बाद कौन सा टाइप किया था वो तो अच्छा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बहुत बताता हूँ ये याद है यू वांट मी टू रिवाइज दैट क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है थोड़ा कॉन्सेप्ट यू वांट मी टू रिवाइज याद है ना नो नीड फॉर रिवीजन ऑफ दैट ना ओके इसके बाद कौन सा आता है रिफ्लेक्सिव में क्या है बोलो ओरली बोल दो सेल्फ ऐड करते हैं ठीक है तो सिंगुलर प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट याद रखो सिंगुलर रहेगा तो सेल्फ और प्लूरल रहेगा तो सेल्फ The next type, demonstrative. ओके बोलो सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव बोलो फटाफट डिफरेंस मालूम है ना क्या है समबडी सिंगुलर प्लूरल और फार एंड नियर विच आर फॉर द फार नियर वाले कौन से फार वाले कौन से दिस आर फॉर नियर एंड दिस आर फॉर ओके तीन हो गए नेक्स्ट वन कौन सा था इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है मुझे बताओ पहले विदाउट आई मीन आई डोंट वांट द एग्जांपल्स इंडेफिनेट का मतलब कभी यूज करते हैं हम लोग हाँ स्पेसिफाइड नहीं रहेगा लाइक इफ आई से वन ऑफ यू कम हियर तो कौन आएगा कोई भी नहीं है मुझे मालूम है एनीवन कैन कम ना तो आई एम जब मैं बोलता हूँ वन ऑफ यू कम हियर आई एम नॉट दिस इज अ जनरल स्टेटमेंट ना मैंने सब लोग को बोला है या फिर फ्यू ऑफ यू आर एब्सेंट यस्टरडे तो अगेन जब मैं वर्ड फ्यू यूज करता हूँ उसका मतलब आई एम नॉट स्पेसिफाइंग एनी बडी जनरल वाला तो दिस आर कॉल्ड एज अच्छा उसमें दो इम्पोर्टेंट रूल्स है इनडेफिनेट प्रोनाउन में दो इम्पोर्टेंट रूल्स है जिसमें से एक रूल ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया है कौन सा वाला वी डिस्कस वन वाला क्या रूल था वन मतलब हाँ
जब भी कोई सेंटेंस वन से स्टार्ट होता है वी कांट यूज एनी अदर. ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, डोंट फॉरगेट दिस. इधर वन से स्टार्ट हुआ तो इधर दूसरा वाला हम लोग वन शुड डू हिज वर्क हर वर्क नहीं होगा, करेक्ट. और एक जेंडर के बारे में क्या बोला था, जेंडर रिलेटेड भी एक बताया था रूल. हाँ हाँ इधर क्या आएगा, हिज आएगा, हर नहीं आएगा, हिज ही आएगा. Because we prefer the masculine gender. ठीक है, ये दो रूल सब, ये this more important है, याद रखो ये. उसके बाद कौन सा था, reciprocal, दो ही है ना, each other है. कभी यूज होता है दोनों, टू थिंग्स एंड दिस इज फॉर मोर देन टू थिंग्स. दिस वाज विच वन, फिफ्थ, ये लास्ट लास्ट किया था ये. ओके Which is the next one? Which one? Demonstrative हो गया है ना? Sorry. Distributive. Demonstrative this that one. मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूँ, जस्ट एक एक लाइन छोड़ दो उसके नीचे, जस्ट टेक डाउन दिस सेंटेंसेस. You have to just choose the correct option pehle. Likh lo, but we'll discuss this.
बोलो पर्सन में क्या आ सकता है? लाइक ईच ऑफ द बॉय या बॉयज, प्लूरल, एस बॉयज एस बॉयज, फिर हैज ए हैव, हैव ऑल ऑफ यू, हैज कोई बोला, यू सेड हैज, और किसने बोला हैज? ओके, सेकंड में आइदर इधर ऑफ द मेथड या मेथड्स, एस With S, without S, all of you, you are saying this one, please. Next, last one. Either of the answers with S. Is. अच्छा is और are दोनों बोल रहे हैं. Are. तुम लोग बोलो उसको, छोड़ो. आर इज आर, ओके. यूनिफॉर्मिटी है क्या, चेक करो पहले आंसर में तुम लोग का. इसमें तो यूनिफॉर्म है, इसमें तुम लोग ने सब लोग ने प्लूरल प्लूरल और प्लूरल चेक आई मीन ऑप्ट किया. अच्छा लीड और लीड्स में डिफरेंस क्या है? आई वांट समबडी न्यू टू आंसर दिस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? इधर एक्सप्लेन करूं मैं, इधर लिखो, इधर देखेगा इन लोगों को क्वेश्चन दिख जाएगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स? समवन न्यू. अच्छा विच पार्ट ऑफ स्पीच इट इज, वो तो बोलो. इट्स अ वर्ब ना, वर्ब लीड टू लीड समथिंग एंड इट्स अ वर्ब. तो डिफरेंस क्या है, बहुत फर्क है सिंगुलर एंड प्लूरल, विच इज सिंगुलर एंड विच इज अ प्लूरल, विद एस वाला सिंगुलर है. ओके तो इसमें लीड्स किसने किसने बोला था? आई डोंट नो, बाकी लोग ने लीड बोला है क्या? लीड है या लीड्स है विदाउट एस? ओके तो ये यूनिफॉर्म और लास्ट. अच्छा इसमें सब लोग ने हैव चूज किया, करेक्ट? हैव क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? Have का भी यूज होता है सिंगुलर में या प्लूरल में? Have प्लूरल में यूज होता है, अपार्ट खाली वो आई के साथ होता है, आई पर्सनल प्रोनाउन से आई हैव होता है, बाकी सब नॉर्मली प्लूरल सेंस में होता है ना. तो फिर इसमें तो तुम लोग ने सब लोग ने प्लूरल प्लूरल और प्लूरल ऑप्ट किया, फिर इसमें ये क्या है, नाउ दिस इज प्लूरल एंड नाउ यू आर सेइंग दिस सिंगुलर, क्यों ऐसा चेंज क्यों हो गया? सॉरी ये ना लीड्स बोला ना, कौन सा बोला? यही बोला, ओके यही ना, ओके. एंड द लास्ट वन आर ऑल ऑफ यू. अच्छा एनी लॉजिक बिहाइंड दिस आंसर, ये जो सिलेक्ट किया, एनी लॉजिक, पर्टिकुलर लॉजिक? सिंगुलर आना चाहिए. हाँ ही इज गोइंग, दे आर गोइंग ना, तो सिंगुलर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू. ये सिंगुलर आर ही आना चाहिए. हाँ ओके सेम थिंग या कुछ अलग है? नहीं इसमें सिंपल लॉजिक है, ईच ये दिस कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना, ईच ये सब वर्ड्स अप दे पॉइंट आउट वन थिंग आउट ऑफ द ग्रुप. समझ में आया? देयर एस लाइक अलग करना है ईच ऑफ द मेथड, यानी या आइदर ऑफ द मेथड, यानी दोनों में से एक, तो ये पॉइंट आउट. इसमें जब ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर योर ये सब्जेक्ट है ना, योर सब्जेक्ट विल बी प्लूरल but your verb over here will be singular. This rule is applicable for all three, each of the, either of the, ye structure agar rahega to, each of the, either of the or neither of the structure rahega to, your subject is always plural and the verb along with that will be singular. Samajh mein aaya ye? Clear? So either I have to change this now, has ho jayega na ye, main galat bola, strike out hi kar deta. इसमें इसमें तो कर दिया सेकंड वाले में. द लास्ट वन इज जस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर, ये प्लूरल रहेगा सब्जेक्ट और वर्ब उसका जो आएगा वो सिंगुलर रहेगा. ओके फाइन लिख लो अभी. चलो या यू कैन से एक्सेप्शन, द थिंग इज बिकॉज सिंस यू आर आइदर ऑफ द मेथड ना, यानी यू आर चूजिंग वन, यू कैन से एक्सेप्शन, यू आर चूजिंग वन, दैट्स व्हाई इट विल बी सिंगुलर ओनली ना.
finished. Okay, I'll just change this a bit now. इधर लिख दो बीच में अच्छा पहले तो बोलो क्या चेंजेस है सेंटेंस में, व्हाट इज द विजिबल डिफरेंस. ऑफ द निकल गया सब में, करेक्ट ना, ये हटा दिया ऑफ द, तीनों में ऑफ द हटा दिया, करेक्ट. नाउ मीनिंग वाइज कुछ चेंज हो रहा है इसमें सेंटेंसेस में, व्हाट pointed out. And the second one? Acha, forget the meaning. Grammatically kuch change aage? Grammatically kya change hua? Nahi, I didn't get. Repeat what you said. Acha, ye नहीं नहीं मैं आंसर का बात नहीं कर रहा, मुझे समझा. आई एम नॉट आस्किंग बट क्या चेंज होना चाहिए. मैं पूछ रहा ये पहला सेंटेंस और ये वाला, फॉरगेट द ये सेकंड थर्ड, भूल जाओ. मैंने इसको, चलो इसको ए और बी लिखते हैं. ये वाला ए वाला है और बी वाला, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी में आंसर का बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ. मैं क्वेश्चन में ग्रामेटिकली फर्क है क्या नहीं पूछ रहा हूँ मैं, फॉरगेट द आंसर. पहला सेंटेंस दो तरीके से लिखा है ना मैंने, तो दोनों तरीके से जो लिखा है उसमें कुछ डिफरेंस है क्या ग्रामेटिकली? इज देयर एनी डिफरेंस? ऑफ कोर्स ऑफ द नहीं है वो तो है, ग्रामेटिकली क्या चेंज हो गया लेकिन फिर अभी? सॉरी रिसीव चल तक ए ऑब्जेक्ट आए तो इधर भी है ना, इकड़े बना है ना. एनी अदर डिफरेंस? ओके ठीक है, मुझे ये बात बताओ. मैंने दो सेंटेंसेस लिखे, ही इज अ स्मार्ट बॉय, ही इज अ टॉल गर्ल. इन द फर्स्ट वन विच इज अ नाउन, बॉय, करेक्ट ना, ये नाउन है. व्हाट इज स्मार्ट ओवर हियर? एडजेक्टिव ना, वो बॉय के बारे में बता रहा है, तो दिस विल बी एडजेक्टिव. इन द सेम वे सेकंड केस में गर्ल क्या है? नाउन है. टॉल इज द एडजेक्टिव, करेक्ट ना. तो व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? हाँ, पहले एडजेक्टिव होता है बाद में नाउन होता है. ओके गुड, मुझे लगा वो लास्ट लेक्चर में पूछा था मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक ने बताया था बॉय स्मार्ट गर्ल इज टॉल. ठीक है, नॉर्मली इसका क्या सीख मिलती है? एडजेक्टिव इज नॉर्मली प्लेस जस्ट बिफोर द नाउन. 90% ऑफ द टाइम्स एडजेक्टिव इज प्लेस, एडजेक्टिव का पोजीशन किधर होता है? नाउन के पहले. समझ में आया ये कॉन्सेप्ट? तो कैन यू कोरिलेट दैट टू दिस टू सेंटेंसेस नाउ? ईच विल बी, इसमें इसमें विच इज द ऑब्जेक्ट ओवर हियर? बॉय ना, बॉय इज अ नाउन, करेक्ट ना, ये नाउन है मेरा. तो अगर ये मेरा नाउन है तो ईच क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव ना, नाउन के पहले होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव. तो ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है ना, सबके सेकंड दे आर एग्जांपल्स ऑफ दिस डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और ये जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है दे आर द एग्जांपल्स ऑफ डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन. समझ में आया दोनों में डिफरेंस?
यो जो जिस जिसमें बराबर नाउन के बाजू में ना, दे ऑल आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स एंड द अदर जो पहले हम लोग ने लिखे, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन्स। समझ में आया डिफरेंस? ओके, नाउ हाउ डज द रूल चेंज फॉर देम? अब भी बोलो आंसर, नाउ यू आर सेइंग द आंसर, बोलो, यू आर टेलिंग द आंसर ना, पहले बोलो। मुझे ये बोलो, अभी पहले प्लूरल सिंगुलर था ना कॉम्बिनेशन, प्लूरल और सिंगुलर, तो वो कॉम्बिनेशन बोलो खाली, चेंज होगा क्या? वैसे रहेगा, क्या होगा? प्लूरल प्लूरल होगा, अभी सिंगुलर और प्लूरल होगा। वेट वेट, लेटर आंसर, फर्स्ट लेटर आंसर देना कंप्लीट, बोलो। अभी क्या है कॉम्बिनेशन? प्लूरल और सिंगुलर, तो अभी नया वाला सेकेंड वाले सेंटेंस के लिए कैसे चेंज होगा वो पूछ रहा हूँ मैं आपको। चेंज होगा कि नहीं होगा, क्या वैसे रहेगा? हाँ, तो क्या होना होगा या क्या होना चाहिए बोलो। ये सिंगुलर हो जाएगा एंड दिस वन, ये चेंज होगा, ये नहीं होगा, तो सिंगुलर सिंगुलर यू आर सेइंग। नाउ यू से सिंगुलर सिंगुलर, तो नाउ दैट इज अगेन करेक्ट। ये वाला भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में क्या कॉम्बिनेशन आएगा? ये सिंगुलर रहेगा और ये भी सिंगुलर रहेगा। समझ में आया ना? तो जस्ट रिमेंबर द स्ट्रक्चर, जब भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है तो द कॉम्बिनेशन विल बी प्लूरल एंड सिंगुलर, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बन गया तो सिंगुलर एंड सिंगुलर। इन बोथ द केसेस द इंपॉर्टेंट थिंग इज बोथ द केसेस वर्ब इज सिंगुलर, और नॉर्मली ये वर्ब्स के ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं, ईच आइदर के साथ। नॉर्मली हम लोग बोलते हैं ना, ईच ऑफ द बॉयज हैव रिसीव्ड, बोलते समय हम लोग बोल जाते हैं ना, क्योंकि ग्रामर नहीं पता होता है, बट द थिंग इज सिंगुलर, इट विल कैरी अ सिंगुलर वर्ब, तो याद रखो दोनों केसेस में वर्ब हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। समझ में आया? जस्ट मेक लो ये स्ट्रक्चर चेंजेस अपने हिसाब से, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड हो गया, आई कैंट मेक एनी। समझ में आया ना डिफरेंस? कंफ्यूज है, आया ना? इसमें खाली फर्स्ट वाले में क्या किया हम लोग ने, ये भी प्लूरल था, ये सिंगुलर था, कभी किया ये? जब ईच ऑफ द था तभी। अभी नेक्स्ट ये सेकंड सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? ऑफ द हट गया, तो ऑफ द हट गया तो क्या हो जाएगा? अभी ये भी सिंगुलर हो जाएगा, ये भी सिंगुलर हो जाएगा। समझ में आया? तो पहले कॉन्सेप्ट में प्लूरल और सिंगुलर था, अभी सिंगुलर और सिंगुलर रहेगा।
डन हो गया. जस्ट मेक टेक अ स्मॉल पॉइंट, एक पॉइंट बना दो. जस्ट नोट डाउन अ स्मॉल पॉइंट बिलो दिस. आइदर और नाइदर. Is used, either or neither is used for a group of two. For a group of two. Continue the same point. When the group contains more than two units. The group contains more than two units. No one or none is used. No one or none is used. Just show me those blanks. The last time, once you fill in the blanks, gave it. सर यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ के बाद क्या बोला था आपने? एक मिनट, आई जस्ट रिपीट दिस. वेट. आइदर और नाइदर इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ टू. उसके बाद चाहिए आपको? नहीं नहीं उधर तक ही चाहिए था. थैंक यू. ओके. हो गया ये निकाल दूं? Now, these are two different sentences. Na? I do not know the man was shouting. Isko join karna hai. Bahut simple hai, just haath upar karo. Those who know how to join these two sentences, combine karna hai. Just raise your hands, answer mat bolo, baaki log ko mauka do jana. Okay, one. Two. Only two people, बहुत सिंपल है. Are you confused? इतना डिफिकल्ट भी नहीं है. मुझे लगा सब आंसर हाथ ऊपर हो जाएगा जल्दी से. I was not expecting this. Only two people. Yeah, hello? Confused. बोलो गिव इट. ओके वो आएगा ना. सिंपल सा बात है ना. आई डू नॉट नो द मैन हु वाज शाउटिंग. करेक्ट ना. तो विच वर्ड आई यूज्ड, मैंने हु यूज कर दिया. ठीक है, तो हु क्या कर रहा है एक्चुअली? इट इज रिलेटिंग द फर्स्ट पार्ट. वो मैन है और उसके जो characteristics usko relate kar raha hai. It is relating the first part of the sentence with the second part. So this type of words are called as relative pronouns. Okay, jo relate karte hain. Normally isme wh wale aate hain. Dusre kaun se wh wale words? Which, where, why, whom, who, that bhi aate hai of course. Samajh mein aaya na? Just make a note of this. This is your relative pronoun.
हो गया. जस्ट इसमें जस्ट स्मॉल थिंग टू रिमेम्बर, नॉर्मली अगर यू आर टॉकिंग अबाउट सम पर्सन तो हम लोग उसके जगह पे उसके साथ हु और दैट यूज करते हैं. एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, कोई चीज की बात हो रही है तो विच व्हाट या फिर दैट. ठीक है, जस्ट मेक अ नोट ऑफ दिस. Done. लिख लो पहले तीनों सेंटेंसेस आदि. टेल मी तीनों सेंटेंस में हाउ डज द रोल ऑफ दैट चेंज. तीनों में दैट जो काम कर रहा है अलग अलग कर रहा है, हाउ डज इट चेंज इन ऑल थ्री सेंटेंसेस. दैट का रोल तीनों सेंटेंस में अलग अलग कैसे है. दोनों है तो दैट मीन्स ये एंटीसीडेंट बोलते हैं, पता ना इसको, दिस कॉल्ड एज एंटी, पता है ना व्हाट इज एंटीसीडेंट, जिसके जगह में प्रोनाउन लाइक
इसमें विच इज द नाउन ओवर हियर राहुल प्रोनाउन कौन सा ही ना तो ही की ये प्रोनाउन किसकी जगह पे यूज किया मैंने तो इसको हम लोग इसका एंटीसीडेंट बोलते हैं ठीक है दिस इज कॉल्ड एज द एंटीसीडेंट तो ये दैट का एंटीसीडेंट क्या है इसमें वो दैट इज अ थिंग करेक्ट ना इसमें दैट का एंटीसीडेंट क्या है मैन और इसमें दैट का एंटीसीडेंट क्या है चेयर एंड बुक बोथ चेयर एंड मैन सॉरी बोथ करेक्ट ना दैट मींस दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ थिंग इट कैन एट द सेम टाइम इट कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्सन एंड इन सर्टेन केसेस इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ ऑफ देम इन द सेम सेंटेंस समझ में आया ना done The next thing is, of course, relative pronoun may uses of that. Now it is similar between both the sentences. Apart from that, that to use किया मैंने और क्या similarity है? Best. So what does that indicate? Positive. Comparative. तीन degrees कौन से बताओ मुझे? Adjective का 3 degrees of comparison कौन से होते हैं? ये पता है ना सब लोगों को दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ईआर फॉर्म और इसको ईएसटी जैसे टॉल का क्या हो जाएगा टॉलर द सेम वे स्मॉल का स्मॉलर स्मॉलेस्ट तो इसमें हम लोग ने क्या किया ईआर जोड़ दिया इसमें ईएसटी जोड़ दिया सो इट इज कॉल्ड एज ईआर फॉर्म एंड इट्स कॉल्ड एज ईएसटी फॉर्म नाउ ऑफ कोर्स सर्टेन एडजेक्टिव्स डू नॉट फॉलो जैसे गुड बेटर बेस्ट बैड वर्स वर्स ठीक है ना कुछ एडजेक्टिव जो आपको ये ईआर और ईएस रूल फॉलो नहीं करते ओके ना तो अभी अभी बताओ कौन सा डिग्री में हो गया ये सुपरलेटिव ना करेक्ट ना तो अच्छा मैंने इधर एक ब्लैंक छोड़ा है दोनों इसमें इसमें कुछ यूज कर सकते हैं अगर दैट नहीं यूज करना है मुझे तो हु अशोका वॉज द बेस्ट थिंग हु ना अगर दैट अफकोर्स दोनों साथ में यूज नहीं करना गलत हो जाएगा दैट रूल ओवर इंडिया या हु रूल बोथ आर करेक्ट देयर रिस्पेक्टिव सेंसेस सेकंड में विच तो इसमें क्या सुपरलेटिव रूल क्या है सुपरलेटिव डिग्री में वी प्रेफर दैट इन प्लेस ऑफ हु एंड विच हु और विच भी करेक्ट रहेगा
लेकिन गिवन अ चॉइस आई विल गो विद दैट फर्स्ट, बाद में हु और विच. समझ में आया ये रूल? ये लिख लो, आई जस्ट डिक्टेट दैट रूल इन अ सिंपल सेंटेंस. जब लिखते समय याद रखो, नहीं तो दोनों साथ में यूज करोगे. यू कांट यूज बोथ ऑफ देम टुगेदर, आइदर दिस और दैट. ओके, you are still going with the Hindu every day, physical or app? But you used to get that physical newspaper last time, dikhaya tha mujhe, abhi nahi lete ho. You are on app or your uska subscription lagta na? तो वायर खींच लो क्या? मैं वायर स्टैंड पूरा नीचे आ जाएगा. डन, जस्ट टेक डाउन दैट रूल ना. दैट इज प्रेफर्ड, दैट इज प्रेफर्ड. टू हु और विच, दैट इज प्रेफर्ड टू हु और विच. दो, THOUGH, दो, हु और विच ऑल्सो कैन बी यूज, ऑल्सो कैन बी यूज. दो, हु और विच ऑल्सो कैन बी यूज. आफ्टर द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स. डन, इसके बाद सेकेंड रूल लिखो, डैट का ही यूज ऑफ दैट का. वन मोर रूल, दैट इज ऑल्सो यूज. विथ वर्ड्स लाइक ऑल, कॉमा नन, नो एनी, only, nothing, etc. ये एक फेमस कहावत है, ट्राई टू कंप्लीट दिस.
It's a famous idiom in English. All that glitters is not gold. यानी हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है ना. तो इधर मैंने क्या किया, ऑन के साथ क्या यूज किया, दैट. ओके, इट इज ओनली यू दैट सेज. तो इधर मैंने ओनली के साथ दैट यूज किया. ठीक है, तो वर्ड्स लाइक ओनली, ऑल, नथिंग, we use that. Just take point ke niche do examples likh do. लास्ट पॉइंट देखो, दैट का यूज. पॉइंट सी, इट इज यूज्ड आफ्टर द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस. आफ्टर द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस हु, व्हाट, एक्सेट्रा. हु, कॉमा, व्हाट, एक्सेट्रा. ओके, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है. तो इधर मैंने हु के साथ दैट यूज कर दिया. ठीक है, इंटरोगेटिव मालूम है ना, अलोंग विद द क्वेश्चन मार्क. ओके, तो दिस रूल्स हैव बीन डन. अभी एक ही बाकी है ना, कौन सा बाकी है, इंटरोगेटिव द लास्ट वन ना. इंटरोगेटिव के लिए कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं, जस्ट याद रखो. रिलेटिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड यूज किए हम लोग ने, व्हिच वर द वर्ड्स वी आर यूजिंग, WH वाला ना, हु, वेयर. तो इंटरोगेटिव प्रोनाउन में द सेम वर्ड इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, WH के साथ क्वेश्चन आएगा, तो इट विल बिकम इंटरोगेटिव, दैट्स ऑल. और इसके लिए कुछ सेपरेट सेट ऑफ रूल्स नहीं है. ठीक है, नाउ वी आर डन विद मोस्ट ऑफ देम. दो मिनट सब रूल्स देख लो, मैं उसके ऊपर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स और बाद में जॉइनिंग सेंटेंस का एक्सरसाइज छोटा सा देता हूँ. 4 to 5 फिलअप्स बेस्ड ऑन द रूल्स. ओके, जस्ट गो टू ऑल द रूल्स.
So just show your sentences. Fill in the blanks. I think fill in the blanks have been done. So what I'll do, I'll just put up some sentences. You have to join. Those sentences you have to join. Okay. ओके तीन तीन ही करते पहले तीन लिख लो एंड देन ट्राई टू जॉइन देम.
यू वॉन्ट मी टू शो द फर्स्ट वन, करोगे? एक दिखा दू, दिखा दू या आएगा? ओके चलो मैं एक दिखा देता हूँ, फर्स्ट वन. लाइक वी गॉट इन टू अ बस, इट वॉज क्राउडेड. यू कैन ट्राई रूपा. We got into the bus, which was crowded. ठीक है, because bus is a non-level thing, तो उसके लिए which use करेंगे. We'll try the other two on similar lines. You're done with all three. Last one. Second and third, there are small, small mistakes. You are done, Aslisha? Small mistakes again. सब लोग ने क्या किया है, व्हाट यू आर डूइंग, ऐसा जरूरी नहीं कि नाउ आई लॉस्ट अ पेन आई हैव फाउंड इट. ठीक है, तो पहला पार्ट क्या है, आई लॉस्ट अ पेन, सेकंड पार्ट क्या है, आई फाउंड इट. तो जरूरी नहीं कि ऑर्डर वही रहना चाहिए. हां, व्हाइल यूजिंग द दिस प्रोनाउन यू कैन यूज स्वैप द साइड्स आल्सो. जैसे इसका क्या हो जाएगा, आई, हां, आई फाउंड द पेन व्हिच या दैट वाज करेक्ट ना. तो ऐसे जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वाला ही फर्स्ट आएगा, सेकंड वाला ही सेकंड आएगा. यू कैन स्वैप द पार्ट्स आल्सो. ओके, थर्ड वाला क्या लिखा है बोलो, विच, हाँ, व्हाट यू रिटन, अरे विच लिखा, पूरा सेंटेंस बोलो ना, आई टेल यू इफ इट इज रॉन्ग. नहीं लिखा है अभी तक, अच्छा डाउट है. अश्लेषा, यू रिटन एनीथिंग? हाँ, बट एनिमल्स के लिए इट इट यूज कर सकते हैं. द कैट फॉर द माउस, दैट माउस दैट इट, हाँ, दैट विल डू फॉर द, लाइक दैट आल्सो कैन बी डन. या फिर इट भी यूज कर सकते हैं ना. इट के साथ कैसे आएगा बोलो, अभी विच जो है ना, दैट इज जस्ट यूज फॉर, इट इज यूज एज अ कंजंक्शन. अब व्हेन यू आर सेइंग दिस सेंटेंस ना,
अभी इसमें जो विच है ना, दैट इज नॉट एक्टिंग एज अ प्रोनाउन ओवर हियर, हियर इट इज यू एक्टिंग एज अ प्रोनाउन फॉर द माउस, सॉरी फॉर द कैट, माउस के लिए बोल रहा हूँ. The cat caught the mouse, which it was. ये which खाली conjunction का काम कर रहा है अभी, join करने के लिए, समझ में आया? तो अभी it काम करेगा pronoun का, it किसको replace करेगा अभी? Cat को, and which will act as a conjunction now. Okay, तो ये अभी conjunction बन जाएगा, दो sentence को join करने के लिए. That will also do over here, क्योंकि that भी conjunction का काम करता है, joining sentences. Done. हो गया. Three or four similar sentences.
consider. First year greeting, we break so the mangoes that Arjun brought are very sweet. Baki kya kare papa? Okay. Second one. Here both will do that, which both will do. Right. Isme you are not using the relative pronoun for Kuldeep. That is a conjunction over here. Now this is fine. The third one. अच्छा जस्ट वन रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट मैंने जो आंसर देखे ना उसमें एक सेम आई सीन द सेम पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स नॉर्मली जो रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग किसके लिए यूज करते हैं प्रोनाउन नाउन के लिए ना तो नॉर्मल रिलेटिव प्रोनाउन जिसके लिए यूज करते ना हम लोग एज फार एज पॉसिबल उसके बाजू में ही रखते हैं वो रिलेटिव आई गिव अ एग्जांपल लाइक इसमें ये वाला गिव मी द पेन इज ऑन द टेबल Give me the pen which is on the table. तो इसमें मेरा relative pronoun कौन सा which है ना और उसके antecedent के बिल्कुल बाजू में तो normally ये rule follow करो as far as possible try to keep the relative pronoun next to the pronoun या next to the noun या the antecedent. समझ में आया आपने क्या answer लिखा था somebody had क्या लिखा था इसका गलत क्या कौन सा वाला wrong था आपका फर्स्ट वाले का बोलो फर्स्ट वाले का क्या किया था आपने दैट ही गॉट द प्राइज ना
बाकी लोग बोलो ये करेक्ट है या गलत है, या फिर गलत है तो वाई, करेक्ट है तो वाई। इसमें दैट किसके लिए यूज कर रहा हूं मैं? नहीं, दैट ही गॉट अ प्राइस। दैट तो रीजन बता रहे ना खाली, दैट इज गिविंग यू रीजन, और प्राइस के लिए नहीं यूज किया मैंने। समझ में आया ना? तो ये कंजंक्शन जैसे एक्ट कर रहा है, समझ में आया? हाँ बोलो। I got the sentence like the boy who got the prize was very happy. Yeah, that is the right one. I'm just, this is the wrong one. That is the right one, whichever. Okay. Yeah. Yes, sir. समझ में आया ना? ये that अभी reason की तरह हो रहा है. Normally क्या होता है, जो relative pronoun हम लोग use करते हैं ना, वो उसके antecedent के बाजू में रखते हैं, जिसके लिए use किया, like. So ये गलत हो जाएगा. Your right one will be. अब इसमें क्या चेंज आया बोलो मुझे? वो किसके लिए यूज किया मैंने? बॉय के लिए। वो बिल्कुल आजू बाजू में आना चाहिए, समझ में आया रूल? मोस्ट ऑफ द टाइम एज फार एज पॉसिबल उसके बाजू में रखने को देखो, ओके? इसमें भी वही किया ना हम लोग ने, विच पेन के बाजू में रखा। इसमें वी प्लेस कुलदीप हूज बॉलिंग इज वेरी गुड, तो इसमें रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? Whose? वो किधर यूज किया मैंने? एंटीसीडेंट के बाजू में, करेक्ट ना? तो एज फार एज पॉसिबल दोनों को बाजू बाजू में रखना है, ओके? नेक्स्ट वन क्या हो सकता है बोलो? हाँ, द मैंगोज है, दोज मैंगोज those mangoes which Atul brought अभी इसमें which किसके लिए use किया? mangoes के लिए ना, जो आम उससे लाया। तो इधर भी मैंने मेरा जो relative pronoun है वो बिल्कुल उसके noun के बाजू में रख दिया, ठीक है, antecedent के बाजू में, समझ में आया? तो as far as possible दोनों को बाजू बाजू में रखने को देखो। हो गया डन? फिर सिंस मोस्ट ऑफ द रूल्स हैव बीन डन, तो
विच इज द बेस्ट वे टू फाइंड, तुम लोग को रूल समझा है कि नहीं समझा है? हम लोग ने जो अभी तक किया, यस बोलो, विच इज द बेस्ट वे टू फाइंड जो सिखाया गया है वो समझा है कि नहीं समझा है? हाँ, टेस्ट है ना, क्या एरर स्पॉटिंग? We'll do certain error spotting based on this. So, देखो, I mean, if you're able to spot the errors. I'll write three sentences at a time. अगर आपका हो गया ना तीनों या दो भी मिला तो then it's fine. Just call me to your place. Don't give out the answer openly. बाकी लोग को जरा मौका दो सोचने का. Okay? बुलाया किसने? चलो देख लो फर्स्ट ही सेंटेंसेस. सो फर्स्ट सेंटेंस का बी पार्ट क्या है? हैव ओके. यू ही एंड आई हैव डन अ ग्रेव मिस्टेक. Done. All three. Good. You also done.
second is, your error is correct, reason is wrong. तीनों में error correct है, reason wrong है. And in the third one, there are two things, huh? Two errors. The third one, there are two errors. This two correct. अजून एक आहे त्याच्यामध्ये. Error is correct, reason is wrong. मिला? नहीं नहीं, reason देना नहीं है, लेकिन reason मतलब exam में reason नहीं दे रहा. You are there for the lecture. ऑनलाइन के हाँ उपलब्ध है ना यार थर्ड देर आर टू एरर्स दिस वन इज फाइन देयर इज वन मोर क्या आएगा फिर नहीं नहीं ये इसमें डिफरेंस क्या है चलेगा ना इधर व्हाट इज द डिफरेंस बोलो बोलो पोजीशन व्हिच वन ये नहीं पोजीशन हाँ एंड दिस वन देन पोजीशन ओनरशिप ना हाँ करेक्ट है ना फिर इधर वेज है इधर गया वो देयर रिकॉर्ड ना तो पोजीशन का बात है ना तो देयर ही आएगा वो देयर इज है आई विल टेल यू क्या ना सेकंड वन नहीं और किसी को मिला तीनों मिले ये किस में आएगा नहीं भाई हाउ डू यू नो दैट दे आर मोर देन टू नाइदर ऑफ देम ना यानी दोनों में से एक दो भी हो सकते हैं ओके आई विल टेल द रीजन चलो इसमें फर्स्ट वाले में नेगेटिव सेंटेंस है ना तो नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो ऑर्डर क्या होता है 1-3-2 ना पहले फर्स्ट पर्सन बाद में सेकंड और बाद में थर्ड याद है ना सब लोगों को तो फर्स्ट पर्सन कौन रहेगा आई थर्ड पर्सन यू कैन पुट मी ओवर हियर ना मी आएगा क्यों नहीं आएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला ना मी क्या करेगा हमेशा एक्शन रिसीव करेगा ना आई एक्शन करेगा ना तो यू कैन पुट मी ओवर ओके तो समझ में आ जा रहा है एरर करेक्ट था लेकिन रीजन रॉन्ग था सेकेंड वन में क्या आएगा बोलो बंस की जगह हिज प्लान आएगा क्यों मोर देन मैस्कुलिन वो तो है मैस्कुलिन जेंडर है और देयर क्यों नहीं आएगा एवरीवन अनाउंस देयर प्लान आ सकता है क्यों नहीं आएगा सुनने को सही सही नहीं लग रहा है देयर आ सकता है एवरीवन अनाउंस देयर प्लान इन प्रेजेंस ऑफ द प्रेसिडेंट क्यों चाहिए सिंगल रीजन लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था याद है ईच और एवरी रहेगा तो सिंगुलर कैरी करते हैं ना इफ एनी नाउन इज प्रेसिडेड बाय ईच और एवरी करेक्ट ना सिंगुलर रहेगा तो इसमें ये एवरी है ना इसमें देर नहीं आएगा हिज ही आएगा ओके समझ में आया तो जब भी ईच और एवरी होता है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करते हैं हम लोग इकड़े एवरीवन अगर वन रहेगा तो हाँ देन दैट विल डू वन अनाउंस बट आई गो विद दिस एवरीवन वाला अच्छा दैट कैन बी डन बट डिपेंड अपॉन द चॉइस अगेन वन अनाउंस्ड वंस प्लान प्रेजेंस बट दैट वो सेट आई विल गो विद दिस ओनली क्योंकि थोड़ा सुनने को भी अटपटा लग रहा है वन अनाउंस वंस प्लान नहीं होगा ना इन प्रेजेंस ऑफ द दे अनाउंस देयर प्लान होता है वन अनाउंस वंस प्लान नहीं है नेक्स्ट वाला ये अभी किया था ना आइदर ऑफ द नाइदर ऑफ द ईच ऑफ द तो ये तो सब लोगों को पता है ना एज आएगा इधर ये हैज आ गया तो इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा ना वो भी सिंगुलर ही आएगा
has submitted his aega. Okay, the pronoun also will be singular only along with that. I'll put up the next sentences. Okay, this will be easy now, I think. Second one to easier, definitely. First one be easy hona chahiye. बहुत दोनों हो गए सेकंड कर रहा है सेकंड हो गए फर्स्ट वन They fought and hurt. One another will do, but I'll use a reflexive pronoun. Not salil, one another, but salil kar diya bola. But again, acha, I'll deliberate one bit. Yeah, he first one, longer second one, correct. Atta sir, don't. Let me do this. I'll explain you after the lecture. So the first one thing very easy. First one is on here, right? Rupa, bolo any problem? Kuch nahi samajh mein aaya? Error in B part kya hai bolo? Kidhar mila first mein?
बी में ना क्या है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस चाहिए ना, क्योंकि कैन डू इट कुछ काम करने का बोला गया है ना, इफ यू वांट समथिंग वर्क इज डन तो क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्टिव केस चाहिए ना, ऑब्जेक्टिव केस नहीं चाहिए। तो इसके सब्जेक्टिव केस क्या आता है, सीक्वेंस बराबर है कि चेक किया गया, 2 3 1 नहीं एक मिनट, हाँ हाँ 2 3 1 बराबर, ओके समझ में आया ना, दैट्स ऑल। और ये तो मालूम है सब लोगों को ना, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, तो टू थिंग्स रहेगा तो ईच अदर आएगा। पांच के पांच पूरे सबको करेक्ट, कौन से है किसको आया नहीं, फोर फोर भी नहीं, यू गॉट फोर थ्री कोई फोर वाला समझ, हाँ तो समझ में आया लेकिन कॉन्सेप्ट, ओके और कुछ सेंटेंस बाकी है, आई थिंक आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर, ओके कुछ 8-10 सेंटेंस बाकी है, और तुम लोग का पैराजम्बल्स नहीं हुआ है, हुआ ओके ठीक है, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर देन, या चलो थैंक्स फॉर अटेंडिंग, थैंक यू सर, थैंक यू सर।